नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करनी तो सारे ठीक हो लिया। अज ना जरा सा ना प्रोग्राम दा एक खास शख्सियत उपर दा, और उस शख्सियत की मिगी लगना कि कोई इंसान नहीं जड़ा ना जानना हो है। अलामा इकबाल साहब बड़े खूबसूरत एक शायर अपने जमाने आया उन्हें कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी बिल्कुल, तुझ देखा कि किन्ने साल पहले अलामा इकबाल साहब ये गल आही है, और ये जड़ी गल दी, ये जड़ी अजनी असनी शख्सियत जिन्हें बारे आज डिस्कस करने हैं, शेरे पूंछ ने नाए करने उन्हें के लोग जानने हैं, यशपाल शर्मा साहब ने बारे आज आस उन्हें जिंदगी ने कुछ ऐसे पहलू जानने हैं जेडे कैसे लोगों की नहीं पता। और जेडे यशपाल शर्मा सर दे इन्हें बारे तो सारे जानने हैं, मैक्सिमम लोग जानने हैं, लेकिन मैं चाहनी कि अस अपना इन्हें की ट्रिब्यूट दी है, और जेडी फ्यूचर जनरेशन दे उन्हें की दसी है कि असने माशरे जे लोग कोई और ये जेडे लोग दे ए एक एग्जाम्पल दे असने बच्चों वास्ते। बिकॉज मुझे लगना कि जरा अज ना दौर दा अज ने दौर बीच असें की ए जी शख्सियत इनी बड़ी जरूरत सी, ये असनी बदकिस्मती दी खास करी पीर पंजालियों के इसलिए इस दौर बीच जड़े पुंछ अपना जड़ा शेर खोया। सो अज ने जेड़े मेरे कने खास मेहमान दे ओ कुसा तारुफ ने मोहताज नहीं दे, डॉक्टर जमारुद मुगल साहब। डॉक्टर जमारुद मुगल साहब ना ताल्लुक पुंछ कने दा, और हल्ला बोलने चीफ इन एडिटर दे तुसे ने की बड़ी बारी देखा ना उसी, और मैं भी अपने पेज ऊपर कई बारी मैंने ने प्रोग्राम शेयर करनी होनी इन्हें रेखता कने इन्हें नी एसोसिएशन रही नी, और अलीगढ़ तो इन्हें एम ए उर्दू की नी, और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया तो इन्हें पी एच डी की नी। सो डॉक्टर जमारुद मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, टाइम निकाला। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप किस लैंग्वेज में बात करेंगे प्रोग्राम में। मुझे लगता है ये जो हिंदुस्तानी है, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिनके बारे जी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल जो हमारी अपनी माँ बोली है, बहुत मीठी जबान है, लेकिन ज्यादा लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है एक मेरा थोड़ा हाथ भी तंग है उसमें। तो आप इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी पहाड़ी बोलती हैं, तो वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो अगर हम हिंदुस्तानी में बात करें, जिसे हिंदी उर्दू कहते हैं, तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। जी, वैसे आप बहुत खूबसूरत बोलते हैं, मैंने आपको सुना भी है, लेकिन हम हिंदुस्तानी में ही बात करेंगे बिकॉज वाइडर ऑडियंस के लिए। तो आपका ताल्लुक पुंछ से है, और पिछले दिनों मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो कि मोहसिन पुंछ के नाम से जुनैद साहब ने किया था, बहुत खूबसूरत बातें। मैं सबको बताना चाहती हूँ जो मेरा इतना बड़ा पुंछी परिवार है कि डॉक्टर जमानुद साहब जो है बहुत नेक इंसान, बहुत खूबसूरत इंसान है, जो बात करते हैं दिल से करते हैं, ये मैं इनके प्रोग्राम्स देख के इनसे इनके बारे में आपको बता रही हूँ, और मुझे लगता है आप लोग जानते भी होंगे। तो आप मुझे बताएं कि हम कितने सालों से आप यशपाल शर्मा सर को जानते हैं, बात हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आज। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी, और जाहिर है इस प्रोग्राम में आने की वजह वही प्रोग्राम बना जो जुनैद भाई ने स्टेट लाइन के लिए लिया। उनको बहुत लोग देखते हैं, तो वो आपने भी देखा, आपको लगा होगा कि चलिए शर्मा साहब से के ताल्लुक से बात करते हैं इनसे। मैं आपको बताऊं कि यशपाल शर्मा साहब की शख्सियत के अंदर जो है वो जादू, कशिश और एक जो मोतबर पन होता है आदमी के चेहरे पर, कुछ इस तरह का यशपाल शर्मा साहब के चेहरे पर आखिरी वक्त तक रहा है। मैं उनके बहुत करीब नहीं रहा, मैं उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूं, हालांकि यहाँ पीर पंजाल के जितने लोग हैं सब उनको अपना मानते हैं, बड़ा मानते हैं। उस एतबार से तो मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूं, लेकिन जो उनकी फैमिली है, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं, उनके दामाद हैं, जिनसे हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं और शर्मा साहब के बारे में जानते हैं। लेकिन मेरे आसपास का जो माहौल है वो सब शर्मा साहब से वाकिफ था, और मैं उनको जानता हूं जब मैं गालिबन 10th या 11th में पढ़ रहा था। मैंने जुनैद भाई के इंटरव्यू में ये शेयर भी किया कि एक वक्त ऐसा आया कि हमारी फैमिली पे बहुत बुरा वक्त था, तो उस वक्त हमने जितनी कोशिश करनी थी अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो सब हमने की, लेकिन कोई नतीजा बहुत अच्छा नहीं निकल रहा था। उस वक्त हम बहुत परेशान थे, तो
मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस वक्त हमारे काम जो शख्स आया, हालांकि मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी उस वक्त, लेकिन वो चेहरा मुझे अब भी मेरी आंखों के सामने है कि मैं उनके पास गया, मेरी वालदा साथ थी, मैंने उनसे कहा कि सर ये परेशानी है, अब इस परेशानी से आप ही निकालिए, कैसे निकलें। तो शर्मा साहब ने उस परेशानी को हल किया, तो वो उनका चेहरा, उनके बोले हुए लफ्ज, उनका हमारे साथ जगह जगह पे जाना, जहां जहां वो जा सकते थे, जहां से हमारा मसला हल हो सकता था, चाहे वो एसएसपी साहब हूँ, चाहे डीएसपी हूँ, चाहे एसएचओ साहब हूँ, तो वो सारी चीजें मेरे जहन पर नक्श हैं। और मैंने उस इंटरव्यू में भी कहा है रूमी जी कि ये सिर्फ मेरा मेरे ऊपर एहसान नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, ऐसी आप पुंछ तशरीफ लाई होंगी, ऐसी हजारों फैमिलीज हैं, हजारों ऐसी फैमिलीज हैं जो इस कर्ज के नीचे दबी हुई हैं, कि शर्मा साहब ने उस वक्त बर वक्त उनकी मदद की बगैर मजहबो मिल्लत। ये देखिएगा आप कि ये शर्मा साहब की शख्सियत थी, एक मुसलमान उनके पास जाता है, एक हिंदू उनके पास जाता है, एक सिख उनके पास जाता है, एक ईसाई जाता है, आईएएस ऑफिसर जाता है, एक बेचारा मेरी तरह गरीब आदमी जाता है, तो उनके दरवाजे हर वक्त सबके लिए खुले थे। तो शर्मा साहब ने हजारों लोगों की, एक खास जो पीरियड हमारे पूंछ राजौरी पे गुजरा है, अब वो मैं जरा फिल्म का जिक्र कर लूं, कश्मीर फाइल में आपने देखा ही होगा, इस वक्त बड़ा हंगामा है, तो कश्मीर फाइल में कश्मीरियों ने जितना सफर किया है, हमारे राजौरी पूंछ के लोगों ने भी कम सफर नहीं किया है, हालांकि उसको जी दिखाया नहीं जाता है। तो बिल्कुल वाहिद ऐसे शख्स उस वक्त थे जिन्होंने हजारों लोगों के घर बचाए, बच्चे बचाए, आज उसी फैमिली के बच्चे आईएएस आईपीएस हैं, आज उसी फैमिली के बच्चे कहीं कोई केएस है, कोई प्रोफेसर है, अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। अगर शर्मा साहब उस वक्त उस फैमिली की मदद नहीं करते, तो शायद मैं भी आज आपके सामने नहीं होता, मेरे जैसे हजारों लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, जो बड़े ओहदों पर फाइज हैं, इस वक्त वो आपको दिखाई नहीं देते। तो शर्मा साहब से मेरा ताल्लुक, मेरे जहन पर जो उनकी शख्सियत पहले दिन नक्श हुई थी, वो आखिरी दिन तक रही, और वो शख्सियत नक्श होने की वजह ये थी कि शर्मा साहब ने कभी भी जिसकी भी मदद की बगैर, वो वाहिद मुझे लगता है ऐसी शख्सियत थी कि जिनके दरवाजे हर मजहब हर कौम के लिए हमेशा खुले रहते थे। तो इस तरह शर्मा साहब से करीब आने का या उनको समझने का मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला, और फिर ऐसे हजारों लोग हजारों कहानियां आपको भी सुना सकते हैं, मुझे भी सुनाते रहे हैं, तो वो हजारों कहानियां भी मेरे जहन में है। जी बिल्कुल मुगल साहब आपने सही कहा, उन्होंने हर मजहब के जो रंग बिरंगे फूल थे वो शर्मा सर ने अपनी शख्सियत में जैसे समा लिए थे, उनको पिरो लिया था। मैं आपको बताऊं कि जब जिस दिन उनकी फौतगी हुई वो गुजरे, और मैंने किसी को रिक्वेस्ट किया था पूंछ में, जो वीडियोस लोगों ने शेयर किए जो मैंने अपने पेज पे देखे, मतलब वो मजल कहते हैं हमारे अपनी जुबान में, वो मजल, वो जो सफर था उनका घर से लेके शमशान घाट तक, वो देखने वाला था। वो एक लेसन है कि अगर कोई जिंदगी जिए तो ऐसी जिंदगी जिए। और मैंने देखा उसमें, मैंने इतने इंटरव्यूज अपने पेज पे भी शेयर किए, उसमें मुझे लगता है हिंदूज तो थे, हिंदू से ज्यादा नॉन हिंदूज लोग थे, मुस्लिम्स थे उसमें, सरदार थे, और हर कोई, मुझे ऐसे लगता है कि ना जैसे पुंछ का पत्ता पत्ता बूटा बूटा भी रो रहा था उस दिन, वीरान हो गया वो शहर। आपके लिए मैम ये तमीज करना मुश्किल था अगर आप बिल्कुल वहां होती, क्योंकि मैं चश्मदीद हूं, मैं वहां मौजूद था। एक बात तो ये हुई कि उनकी मैयत को वक्त से पहले वहां पे ले जाया गया, वो ले जाने की वजह ये थी कि वहां इतनी भीड़ हो गई थी, शर्मा साहब के घर के पास इतनी भीड़ हो गई थी कि उनका घर, उनका छत, फिर वो सड़क जो उनके घर के सामने से गुजरती है, इतनी भीड़ थी कि वक्त से पहले उन्हें लगा कि भाई वहां ले जाते हैं शमशान घाट में। वहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये तमीज करना मुश्किल था कि हिंदू इस आखिरी सफर में ज्यादा बैठे हैं या खड़े हैं वहां पे, सिख हैं या मुसलमान हैं, और मुसलमान भी ऐसे ऐसे, मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा कि जो शायद पहली बार गए होंगे, जो शायद पहली बार गए होंगे, ऐसे लोग भी वहां शर्मा साहब की आखिरी सफर में जो है वहां तक पहुंचे। और ये शर्मा साहब ने ही हमारे पुंछ को इतना जोड़ के रखा हुआ था कि आदमी मजबूर था इस रिश्ते को निभाने के लिए,
आदमी, मतलब आदमी को लगता था कि ये रिश्ता मुझे निभाना है क्योंकि इस शहर में यशपाल शर्मा साहब जिंदा है। और मैं बहुत दिल से आपसे कह रहा हूं कि हजारों लोगों की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है जो मेरी कहानी है, और शर्मा साहब से मिलके आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी इतने बड़े शख्स से अभी मुलाकात की है। बिल्कुल आम रूटीन में, जिस तरह सबसे अच्छा उनका लहजा मेरे जैसे एक आम आदमी से बात करते हुए जैसा होता था, वैसा ही इस शहर के डीएम के साथ भी था, वैसा ही अच्छा शहर के एसएसपी के साथ भी था, वैसा ही मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ भी था। तो उनका लहजा कभी नहीं बदला, उनका तौर तरीका कभी नहीं बदला। गुस्सा करना है तो सामने मैं हूं या शहर का डीएम है या कोई उनकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, तो भी है। मोहब्बत है सामने मैं हूं या सामने डीएम है, तो सब एक जैसे थे। तो शर्मा साहब के यहाँ छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, ये सब नहीं था। और मैं इस चीज को सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। हालांकि शर्मा साहब ने अपनी फैमिली की तरबियत भी वैसी ही की है। अगर आप शर्मा साहब के भाइयों से मिलें, चाहे वो जो म्यूनिसिपल चेयरमैन हमारे हैं पुंछ के, आप डॉक्टर सुशील साहब से मिलें। मैं डॉक्टर सुशील साहब का एक वाकया आपको बताऊं, अभी चंद दिन पहले का। मैं जम्मू था और मुझे कुछ दिखाना था उनको, तो मैं सर के पास गया, मैंने कहा मुझे दिखाना है। तो वो जो डॉक्टर्स की जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल जीएमसी नहीं, सुपर स्पेशलिटी में वो, स्पेशलिटी हाँ, जो लिफ्ट है वो डॉक्टर्स की लिफ्ट अलग से है, जिससे डॉक्टर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाते हैं। तो मैं भी उनके साथ था। तो इतने में एक पेशेंट आया व्हील चेयर पे, तो पेशेंट की लिफ्ट बिल्कुल अलग है लेकिन वहां भीड़ थी। तो पेशेंट अपनी लिफ्ट लेके इधर व्हील चेयर लेके इस तरफ आया इनकी, सर की लिफ्ट में। तो सर ने क्या किया, एक तो लिफ्ट रुकवाई, बाहर निकले और व्हील चेयर पे एक खातू, एक औरत धक्का दे रही थी उसको, अपने पेशेंट को। तो इन्होंने व्हील चेयर को हाथ लगाया, खींच के व्हील चेयर जो है वो अंदर की लिफ्ट में, और फिर वो दूसरी तीसरी मंजिल जिस पे उतरना था। तो मैंने सोचा कि ये ये हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं, ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा डॉक्टर। और पहले तो ये है कि डॉक्टर की लिफ्ट में कोई पेशेंट अपना वो व्हील चेयर लेके या पेशेंट कैसे आए, और दूसरा फिर उनकी मदद करना कि वो लेके। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा नहीं, ये शर्मा साहब का घर, ये पूरा घराना ऐसा है कि जहां आपको मोहब्बत मिलेगी, आपको ये मिलेगा कि जिंदगी असल में ऊपर वाले ने जो आपको दी है उसको किस तरह बसर करना चाहिए, जिंदगी जीना किस चीज का नाम है, जिंदगी लोगों के लिए वक्फ कैसे की जाती है, ये सब चीजें आप इस फैमिली से सीख सकते हैं। आप ये देखिए, ये तो इनकी फैमिली हुई कि इनके भाई हैं, इनके बेटे हैं, इनके दामाद हैं, विवेक हमारे दोस्त हैं, जी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जम्मू में, विवेक इनके दामाद हैं। दामाद मतलब ये हुआ कि शर्मा साहब की बेटी जो है हमारी बेटी फैमिली के घर में है। तो इनके साथ उस तरह का खून वाला रिश्ता तो नहीं है, अगर आप विवेक से भी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि एक इतने मुहज्जब घर में अगर कोई दामाद होना चाहिए था तो वो विवेक ही होना चाहिए था। बिल्कुल जो मुहज्जब घराना शर्मा साहब का है वैसे ही हमारे विवेक भी हैं। तो बिल्कुल। एक्चुअली मैं इनको आपको बताऊं कि आपको पता होगा कि जो विवेक जी हैं उनके फादर साहब भी बिल्कुल वैसे ही थे, और यशपाल सर के साथ विवेक जी बचपन से ही रहे हैं, बिकॉज उनके फादर साहब की फौतगी बहुत जल्दी हो गई थी, बहुत विवेक जी तब बहुत छोटे थे। और डॉक्टर सुशील के बारे में जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, उनको जम्मू में खैर कौन नहीं जानता, और कोरोना से पहले वो हर गाँव गाँव में जाके कैंप्स लगाते थे। और आप देखिए कोई छुट्टी हो, ईद दिवाली हो, कोई छुट्टी नहीं लेते, और इतने बड़े डॉक्टर होके वो मतलब कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। बिल्कुल ये एक्चुअली फैमिली और मैं एक चीज और में बताऊं आपको, सबसे लंबी ओपीडी जो है वो मुझे इस बार लोगों ने बताया कि सुबह जब डॉक्टर साहब बैठते हैं तो फिर शाम, कभी कभी रात हो जाती है, जब तक जितने पेशेंट बाहर हैं सबको अच्छे तरीके से देख ना लें तब तक ये टाइमिंग नहीं है कि 10 बजे आए और 2 बजे बंद। चाहे 2 बजे पेशेंट इतने आए हैं कि 2 बजे तक चेक कर लिया, चाहे फिर रात के 8 बज जाए। तो सबसे लंबी ओपीडी सुपर स्पेशलिटी में अगर किसी डॉक्टर की है वो डॉक्टर सुशील साहब की है, और डॉक्टर सुशील साहब जो हैं वो हमारे शर्मा साहब के भाई हैं। फुली डिवोटेड टू सोसाइटी। बिल्कुल
मैं आपको बताऊं कि मुझे 2019 में एक मौका मिला। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं पुंछ गई और मैंने यशपाल शर्मा सर का इंटरव्यू लिया। मतलब मुझे उनको देख के ना अपने बुजुर्ग याद आ रहे थे। जैसे आपने कहा कि उनका बात करने का तरीका जो था वो बच्चे से लेके बड़ों तक, मतलब ओहदा वगैरह कोई मैटर नहीं करता था, सबसे वो एक तरह से ही बात करते थे। इतना अपनापन, इतना अपनापन कि वो एक इंटरव्यू, एक मुलाकात ने इतना मेरे जहन में वो जो एक होता है ना कि इम्प्रेशन छोड़ा, कि आप बिलीव करें कि जिस दिन उनकी ये खबर मैंने सुनी कि फौतगी हो गई, और वो 13-14 दिन, आप कहते हैं कि फैमिली नहीं है हम लोग, मैंने तब भी लोगों को कहा ब्लड रिलेशन चाहे हमारा नहीं है लेकिन वो पूरे पीर पंजाल के लिए एक फादरली फिगर थे। तो मुझे कुछ लोगों ने तब पूछा भी, बिकॉज मैं स्टेटस वगैरह और पेज पे कंटिन्यूस वो चढ़ा रही थी, उनके वीडियोस आ रहे थे वहां से, राजीव जी भेज रहे थे मुझे, उन्हीं की फैमिली से हैं, तो मुझे लोग कहने लगे कि उनको कुछ गलत फहमी हो गई कि ये आपके फादर साहब हैं क्या। मैंने कहा यस, मतलब मेरे लिए फादरली फिगर ही हैं। मतलब इतना उनका जो रुतबा, और जैसे इससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपने कहा था कि एक मैंने इंटरव्यू देखा तो उसमें किसी ने कहा कि मस्जिद के लिए उन्होंने रेत पत्थरी, बच्चों के लिए मतलब किताबें, किसी को किसी भी माशरे में, पुंछ में, पीर पंजाल में, मुझे लगता है किसी को किताबों की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, अगर शर्मा साहब के पास कोई आ जाता है तो वो उसको खाली हाथ नहीं जाने देते थे। मुगल साहब, आपके पेज पे मैंने एक इंटरव्यू देखा था जो आपने, जिसमें आपने जहांगीर मीर साहब को बुलाया था और एक किसी और मिनिस्टर को बुलाया था। मुझे लगता है मिनिस्टर्स वगैरह तो साहब, बहुत होते हैं, एमएलए एमपीज बहुत बनते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते, बकौल आपके भी, और बिल्कुल ये बात हम समझते भी हैं। तो शर्मा साहब, मुझे लगता है कि एक ऐसे शख्स थे जो कि हम सबके दिलों में हमेशा रहेंगे, और उन्होंने ऐसे काम किए, एक कहते हैं ना कर्मयोगी, और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने यशपाल शर्मा युग पुरुष रखा है। सदियों में एक ही ऐसा शख्स होता है जो इतने काम कर जाता है और उसके लिए हर शख्स रोए, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको एक चीज और, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं कि शर्मा साहब ने जो काम किए ना, शर्मा साहब ने उनका ढिंढोरा नहीं पीटा। बिल्कुल शर्मा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि इतने लोग एक जमाने में, पर्टिकुलर पीरियड में, इतने लोग इतने परेशान थे, उस वक्त मैं अकेला था जिसने लोगों की मदद की। मैं अकेला था चूंकि आपको पता ही है पुंछ में ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, गांव वगैरह में तो तकरीबन 100%, 99%, 98% मुसलमान रहते बिल्कुल हैं। तो शर्मा साहब ने ये कभी नहीं कहा, और शर्मा साहब ने इन सब चीजों का इस्तेमाल वोट लेने के लिए भी नहीं किया। हालांकि एक नेता के लिए, एक लीडर के लिए इतना तो जायज है ही कि वो जो काम उसने किए हैं वो लोगों को बताए कि देखो मैंने तुम्हारे ऊपर उस वक्त एहसान किया था, तुम्हें मुझे वोट करना है। शर्मा साहब ने ये नहीं कहा कि तू उस वक्त फंसा था और मैंने तेरी मदद की थी, अब इस वक्त मुझे तुम्हारा वोट चाहिए। शर्मा साहब ने बेलोस खिदमत की लोगों की, कभी इस वजह से नहीं कि मैं कल 5 साल के बाद मैं इलेक्शन में आऊंगा और ये लोग मुझे वोट करेंगे। बिल्कुल लेकिन लोगों ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुसलमान है, खास तौर से मुसलमानों ने, क्योंकि आबादी ज्यादा मुसलमानों की है यहाँ, इसको बिल्कुल याद रखा आखिरी वक्त तक। शर्मा साहब 100-150 वोटों से इलेक्शन हारते रहे हैं, और मुझे कई लोगों ने बताया वो सिर्फ इसलिए होता था कि बहुत सारे गांवों में, बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां लोग पोल नहीं कर पाते थे वोट, वरना 100-150 का मार्जिन कुछ ऐसा नहीं होता है। जहां 6,000 बिल्कुल 7,000 उस बरादरी के लोग रहते हूं या वोटर हूं जिस बरादरी से शर्मा साहब का ताल्लुक था, उस जगह पर शर्मा साहब ने 27,000, 28,000, 29,000 वोट लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शर्मा साहब ने लोगों के साथ जो किया, लोगों ने आखिरी वक्त तक उसको याद रखा। अब लोगों की जिम्मेदारी ये है कि शर्मा साहब जो हमारे बीच में छोड़ कर गए हैं, भाईचारा, प्यार मोहब्बत से रहना, उसको हम अपने बच्चों में ट्रांसफर करें, अपने बच्चों को सिखाएं ये सब बिल्कुल चीजें, ताकि ये चीजें आगे चलती रहें। और मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं इंटरव्यूज में भी कहता हूं और शर्मा साहब की फैमिली से भी ये कहता हूं, चाहे विवेक हमारे दोस्त हों, चाहे डॉक्टर साहब हूं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई आपके कंधे पर इससे पहले जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि शर्मा साहब थे, अब आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि लोगों की उम्मीदें वैसी ही हैं जैसे शर्मा साहब से थी।
बिल्कुल है कि अब लोग आपके दरवाजे पर आएंगे यही सोचकर कि यशपाल शर्मा का दामाद है, यशपाल शर्मा का भाई है, यशपाल शर्मा का बेटा है, तो आपको भी फिर पलट कर जो आपके दरवाजे पे आया है उसको वैसे ही देखना है कि ये वो जी शख्स है जो इससे पहले यशपाल शर्मा साहब से मिलने आता था और कभी नाउम्मीद नहीं गया है। अब उस फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर साहब इससे पहले जो करते रहे हैं, विवेक करते रहे हैं, जो उनके भाई म्यूनिसिपल चेयरमैन हैं वो करते रहे हैं, सुनील भैया जी, सुनील जी हैं, और अब उनके बच्चों के कंधों पर भी ये जिम्मेदारियां हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए कि ये जो आपका ये प्रोग्राम मैंने देखा था और उसमें उन्होंने मिलिटेंसी के दौर का जिक्र किया था, जैसे आपने शुरू में भी कहा पूंछ का, कि कुछ भी होता था जो बच्चे बेचारे मिसगाइड होके चले जाते थे और वापस आते थे, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि किसी का कैरियर स्पॉइल ना हो। तो वो चाहे बिल्कुल मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करेंगे या चाहे जो भी डीजी थे उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि नहीं ये गलती से हो गया था, बच्चे सीधे हैं सिंपल हैं और आप इनको मतलब जेल में ना डालिए या इनका कैरियर स्पॉइल नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें देखिए, और उस टाइम मोस्टली आपके प्रोग्राम में मैंने देखा था कि पुंछ के जो बाकी लीडर्स हैं, जो इवन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थी, वो सारे पुंछ छोड़ के सेफली जम्मू भाग गए थे। एंड ये वाहिद इंसान थे, जैसे आपने पहले भी कहा, इसमें कोई दोराई नहीं है और कोई शक नहीं है। उसके बाद जी मैं एक बस मुख्तस छोटा सा वाकया आपको सुनाऊं। मुझे पिछले दिनों एक एक हमारे दोस्त मिले, उन्होंने जी मुझसे कहा कि ये सुशील जी जो हैं, जब मिलिटेंसी बहुत उरूज पे थी तो उन्होंने कहा शर्मा साहब से कि शर्मा साहब कुछ वक्त के लिए हम लोग यहाँ से निकलकर जम्मू चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि शर्मा साहब ने उनको इतना डांटा कि इस वक्त हमारे लोगों को हमारी ज्यादा जरूरत है, तो तुम चाहते हो कि इस वक्त हम यहाँ से जम्मू चले जाएं, जब हालात सब ठीक हो जाएं तब हम वापस आएंगे। तो शर्मा साहब ने डांटते हुए उसे कहा, भाई इस वक्त हमारे लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है, बाद में जम्मू से जब आऊंगा तब इन लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। हालात जब नॉर्मल है तो जब तब तो सब ठीक है, जब जी ठीक नहीं है उस वक्त मेरी ज्यादा जरूरत है। और शर्मा साहब ने पूंछ नहीं छोड़ा, शर्मा साहब ने 1978 में जो मेन एजिटेशन हुई थी पुंछ में, बिकॉज जब मैं उनके घर गई थी तो उस बारे में मेरी बात हुई थी, इंटरव्यू में भी उन्होंने जिक्र किया था कि तब भी देखिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके, ऑब्वियसली जिनकी अभी बात चल रही है कि मंदिर के बाहर उनके भी वो स्टैचूज लगाएंगे वहां पे, जिन लोगों की तब शहादत हुई थी, तो तब भी उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तब की हालांकि बहुत पहले जमाने की बात है, तब लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, लेकिन बिकॉज इन अच्छे पढ़े लिखे थे, LLB किया हुआ था, लॉ किया हुआ था, और अपने जो यूनिवर्सिटी टाइम में भी अच्छे लीडर टाइप रहे, और इन्होंने देखिए कैसे लोगों के मुद्दों को उठाया। और तब शेख अब्दुल्ला साहब को इन्होंने पुंछ में एंटर नहीं करने दिया, उसमें कुछ शहादतें भी हुई, लेकिन इन्होंने जो कंडीशंस थी वो मनवाई और उसका रिजल्ट ये था कि पुंछ के काफी बच्चों को नौकरियां मिली, रोजगार मिले। तो मतलब मुझे लगता है कि ये इतना सेल्फलेसली जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, शायद वही रीजन है कि आज आप वहां बैठ के और मैं यहाँ बैठ के उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और आपने बहुत खूबसूरत बात करी कि उनकी बच्चों पे ये बहुत, उनकी फैमिली पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो हम एक्सटेंडेड फैमिली हैं, हमारे पे भी, हम पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट हम अपने बच्चों को, जैसे आपने कहा कि जो वैल्यूज हमने उनमें देखी हैं, जिनके आज हम चर्चे कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं, जिनसे हम इम्प्रेस हुए हैं, वो हम अगली जनरेशन पे, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है मुगल साहब कि ये जो आज का दौर है ना, ये बड़ा खतरनाक दौर है। बिल्कुल मतलब खतरनाक बड़ा छोटा सा वर्ड है, इससे ज्यादा बड़ा मुझे आता नहीं है। सो ये बड़ा खतरनाक सा लफ्ज है, और इसमें कौमी एकता की मिसाल भाईचारा कायम करना, भाईचारे में रहना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है, बिकॉज ये वक्त की जरूरत है। तो आज हमें शर्मा सर चाहिए थे अपने बीच, लेकिन उसको तो होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, जो दुनिया में आया है उसने जाना ही है, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है, वो आप हैं, वो मैं हूँ, वो हमारे आसपास जो भी लोग हैं देख रहे हैं प्रोग्राम, कि हम लोग उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करें, जो हम उनसे मुतासिर हैं, और अपने बच्चों को सिखाएं, बिकॉज बिल्कुल आज की जो सीख है ये एक गलत ही मैसेज कन्वे कर रही है सोसाइटी में,
और ये बंटवारा कर रही है, ये तोड़ रही है, लेकिन जोड़ने का काम हमें ही करना है, क्या जिस कहते मैडम हैं? जिस जी एजिटेशन का आपने जिक्र किया ना, जी आप तसव्वुर करिए कि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले कोई शख्स पुंछ में आवाज बुलंद करता है कुछ लोगों के लिए। पुंछ, जहां से पैदल पाकिस्तान मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है, जहां से जी जम्मू जाते जाते हमारी सांसें उखड़ जाती हैं, कई लोग बेचारे जी रास्ते में मर जाते हैं, वहां का एक आदमी, एक यशपाल शर्मा, जिसने LLB किया है जम्मू यूनिवर्सिटी से, तो हजारों LLB उस जमाने में भी करके आए थे, अब भी करके आ रहे हैं, तो यशपाल शर्मा साहब ने हमें जबान भी दी है, हमें बोलना भी सिखाया है। आप देखें ना, आज भी कहीं ज्यादती बिल्कुल होती है तो मेरी हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ बोलने की। आप भी या कुछ और मेरे दोस्त, वो सोचते हैं यार कि कौन इन चक्करों में पड़े, साइड से निकल लो, कहीं भी ज्यादती हो रही हो। तो शर्मा साहब आज से 30-35 साल पहले हमें वो चीजें सिखा रहे थे कि बिल्कुल आपने बोलना है, जो फैज कहते हैं ना, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तो वो जो वाह, खड़ा बोलना है, गलत के खिलाफ खड़ा होना है, वो होना भी है। इस शहर को, वो भी इस शहर को यशपाल शर्मा ने सिखाया है। और ये कितना बड़ा एहसान है, आप सोचिए कि आज से बिल्कुल 30-35-40 साल पहले कोई शख्स बोल रहा था। आज तो चलिए बिल्कुल सोशल मीडिया है, 50 चीजें हैं बिल्कुल इजहार की, उस वक्त तो वही चीज थी। और शर्मा साहब को पता भी था कि इसमें बहुत मुश्किलें हैं, जाने भी जा सकती हैं, लेकिन वो खड़े रहे, डटे रहे, कामयाब रहे। वो एजिटेशन भी हमेशा याद किया जाता रहेगा, जब बिल्कुल तक तारीख तारीख में पुंछ का नाम रहेगा, और जब तक एजुटेशन को याद करते रहेंगे लोग, यशपाल शर्मा साहब को भी याद करते रहेंगे। और ये उनका कम कंट्रीब्यूशन नहीं है कि उसने इस शहर को जबान दी, उसने इस शहर को बोलना सिखाया, उन्होंने इस बिल्कुल शहर में जो ज्यादती होती है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी सिखाई। ये भी इस शहर को शर्मा साहब की देन है, और इस एहसान का बदला पूरा शहर कभी भी नहीं चुका पाएगा। जी। आपको मैं बताऊं कि जब मैंने इंटरव्यूज देखे, जब मेरे पास इंटरव्यूज आ रहे थे लगातार, उनके चौथे पे शायद एक लोरन के थे कोई, उन्होंने कहा कि मेरे फादर की फौतगी आज से 35 साल पहले हो गई थी, लेकिन मुझे आज लगा जब यशपाल शर्मा सर इस दुनिया से चले गए, मुझे लगा कि आज मेरे फादर की फौतगी हुई है और आज मेरे फादर साहब मुझे छोड़ के गए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, और ये बातें कोई छोटी नहीं है, बहुत गहरे मायने हैं इन बातों के, और मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए तो कोई यूं ही नहीं कहता। नहीं, जो उनके जनाजे में नारे लग रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा यशपाल साहब का नाम रहेगा, मतलब वो लोगों को किसी ने हंटर मार के नहीं बोला था कि आपको बोलना है, लोग दिल से बोल रहे थे, उनके जज्बात। आप देखिए, मतलब मैं वही सोच रही थी, मैं इतनी दूर बैठी थी, मुझे लोग वीडियो कॉल करवा के उनके अंतिम दर्शन करवा रहे थे। मतलब ये चीजें मैं कैसे भूल सकती हूँ कि लोगों की फीलिंग्स देखिए कि एक्चुअली यशपाल शर्मा साहब ने हम लोगों को जोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो हमेशा जोड़ने की बात करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें भी आगे यही काम करना चाहिए। हमारे साथ रावला कोट, पुंछ, बाग, हजीरा, बड़ी जगह से लोग जुड़े हैं जो हमें सुन रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। इसमें मैं इतना ही कहूंगी कि सबसे पहले इस ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, इस परिवार का जो हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और ये सबके लिए जो अभी जमारुद्दीन मुगल साहब ने टाइम दिया। मैं आपको बताऊं कि बहुत बिजी रहते हैं ये इसलिए आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि जो बात मुगल साहब ने कही, जो मैंने कही, कि हम अपने बच्चों में ये चीजें लाएं। वो कहाँ से चीजें आएंगी? वो चीजें हमने ही अपने बच्चों को सिखानी है, बच्चे बाहर से सीख के नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है इस चीज की अभी बड़ी जरूरत है। मुगल साहब, लास्ट में चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि उनके जनाजे वाले दिन से लेके चौथे वाले दिन भी जो मेरे पास इंटरव्यूज आए, उसमें उन्होंने देखा कि पुंछ के लोगों ने एक डिमांड करी थी कि जो पुंछ स्टेडियम का नाम है वो यशपाल शर्मा जी के नाम पे रखा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को डिले क्यों कर रही है? अब तो पुंछ में बहुत सारे कॉलेज, जैसे हमारा डिग्री कॉलेज पुंछ है, अब वो जी कृष्ण चंद्र डिग्री कॉलेज पुंछ हो गया है, ऐसे ही हमारा शीश महल स्कूल है। तो मुझे वजह समझ में नहीं आती कि क्यों डिले हो रहा है। हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं ऊपर से परमिशन लेनी हो, मुमकिन है, पर लेकिन मुझे जी ये कोई
कोई एहसान नहीं होगा। स्टेडियम कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। यशपाल शर्मा साहब एक पूरी आपसी भाईचारे की एक पूरी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे। तो शर्मा साहब के बिल्कुल नाम पे स्टेडियम का नाम होना, ये स्टेडियम के लिए, स्टेडियम में जाने वाले लोगों के लिए बाई से फख्र है, शर्मा साहब के लिए नहीं। शर्मा साहब को इससे, मैं आपको बताऊं कि वो एक शख्स अपने आप में यूनिवर्सिटी था, तो उस शख्स के लिए पुंछ के जितने भी चीजों के नाम रखे जा सकते हैं, कोई नई चीज बनाइए, स्टेडियम का नाम तो आप रखें ही, कोई नई चीज बनाइए और उस नई चीज को ये सरकार बनाए, कोई नई चीज बनाए और उस नई चीज को शर्मा साहब के नाम से मंसूब करे। एक पार कोई नया स्टेडियम भी बन रहा है जो काफी बड़ा स्टेडियम है और उसमें हॉस्टल भी होगा और बहुत सारी फैसिलिटीज उसमें रहेंगी। मुझे लगता है कि उसका नाम यशपाल शर्मा साहब के नाम से मंसूब होना चाहिए। ये हर पुंछी की ख्वाहिश है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ में पुंछों की ख्वाहिश का एहतराम तो करेगी ही, ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है और ये जम्मू में बैठे हुए जो लोग फैसला करते हैं उन्हें भी पता है कि शर्मा साहब का किस तरह का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ पुंछ नहीं पूरे जम्मू जी और कश्मीर बिल्कुल के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। हम भी इसको फॉलो अप करेंगे, आप भी फॉलो अप करिए, लेकिन अच्छा तो तब है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद से ही कोई बड़ा ऐलान करे, तो हम सबको अच्छा लगेगा, पुंछ वासियों को अच्छा लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का ये पुंछ पर एहसान होगा और स्टेडियम का या किसी चीज को शर्मा साहब से मंसूब करना ये उस चीज की अहमियत में इजाफा करेगा। स्टेडियम इस वक्त जहां पे है, शर्मा साहब का नाम जोड़ते ही स्टेडियम आसमान पर होगा, तो शर्मा साहब के नाम से स्टेडियम भी होना चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, ये समझने वाली बात है। और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है और शर्मा साहब को इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने लिए बहुत कुछ कर गए हैं और उनको इन चीजों की कोई लालसा भी नहीं थी अपनी लाइफ में, होती तो फिर उनका एक अलग ही रुख होता। लेकिन ये हम लोगों के लिए, हमारी अगली नस्लों के लिए एक एक्चुअली एग्जाम्पल होगी, मोटिवेशन होगी, तो बेसिकली उसके लिए लोगों ने डिमांड करी है कि ये होना चाहिए। मुगल साहब, आप ने इतना अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे, शर्मा साहब से मुतल्लिक कुछ और प्रोग्राम करने का हम सोच रहे हैं। आपकी हौसला अफजाई और आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे इस लायक समझा कि शर्मा साहब पे मैं दो लफ्ज बोलूं, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं खुद भी ये कोशिश कर रहा हूं कि आप और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करिए, उनकी फैमिली में लोग हैं, शर्मा साहब के दोस्त अभी जिंदा हैं, अल्लाह करे वो लंबी जिंदगी जिए, बहुत सारे बिल्कुल दोस्त शर्मा साहब के, बहुत सारे किस्से कहानियां आपको सुना सकते हैं। विवेक का इंटरव्यू आप जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने विवेक को शर्मा साहब के ताल्लुक से जितना जज्बाती, जितना मोहब्बत करने वाला, मुझे लगता है कि शर्मा साहब को विवेक की शक्ल में दामाद नहीं बेटा मिला है। जो असर शर्मा साहब की शख्सियत का विवेक के ऊपर मैं देखता हूं, वो बिल्कुल मुझे किसी और पे नहीं दिखा है। तो आप विवेक, आपको ज्यादा बातें बताएगा, मेरी ख्वाहिश तो थी कि वो हमारे साथ होते तो और जी शर्मा साहब के ताल्लुक से और ज्यादा बातें होती, लेकिन आप उनके साथ वन टू वन एक प्रोग्राम करिए और शर्मा साहब के ताल्लुक से जब भी, जिस तरह भी, जैसे भी, आप कभी भी हुक्म करेंगे हम लोग हाजिर रहेंगे, और पुंछ का हर मुगल शख्स हाजिर रहेगा, सिर्फ मैं नहीं, पुंछ का हर शख्स हाजिर रहेगा। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि मुझे कभी नहीं लगता, मैं बड़े अपने हक से कह रही हूँ कि उनको कहती हूँ कि मतलब ये मेरी फैमिली है, शर्मा साहब की फैमिली मेरी फैमिली है। एक होता है ना, ये कुदरती आपके दिल में ऐसे जज्बात होते हैं। बिल्कुल, जो आपने मुझे सजेस्ट किया, इस लाइन पे ऑलरेडी काम हो रहा है, कुछ लोगों से बात हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली कड़ी में एक दूसरी पर्सनैलिटी, उनके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, विवेक जी डेफिनेटली होंगे, वो तो खैर फैमिली ही है, तो सारे लोगों से हम जानेंगे शर्मा साहब की जो पर्सनैलिटी के डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग उनको इतने क्लोजली नहीं जानते, लोग जानना चाहते हैं और लोग जाने, बिकॉज इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी खूबसूरत जो पर्सनैलिटी है, लोग जानेंगे तो तभी सीखेंगे, और इसकी हमें जरूरत है, शर्मा साहब को जरूरत नहीं थी। थैंक यू बिल्कुल सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ओके, प्रोग्राम थैंक ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत यू। शुक्रिया।
यू। सो विवेक जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जमारुद मुगल साहब। अच्छा बीच कुछ ऐसा के पहाड़ी बोला, मैं उन लास्ट जरा प्रोग्राम दा कंक्लूड करनी इस आप पहाड़ी अपने के। प्रोग्राम को पहाड़ी में करें। जी, दो में शेयर जुलने जुलने बोल सा शर्मा साहब ने करी। एक्चुअली असे नहीं इतनी हैसियत नहीं दी कि आस उन्हें नहीं करी कोई गलबात करी है या उन्हें ने बारिश की बोली है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेंगी इस खालिद शरीफ साहब एक लिया ना कि बिछड़ा कुछ इस अदा से, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को सारे हैरान शहर को कर हैरान गया। बिल्कुल मुगल साहब भी तुसने सामने आया कि ये सारा पूंछ सारे पीर पंजाब ना इतना बड़ा नुकसान होया। और एक्चुअली तुसने देखे होले जड़े इंटरव्यू मड़े पेजे ऊपर कि हर बंदा रोया, हर बंदा रोया, और लोग इस तरह लगे नहीं से कि बिल्कुल जी उन्हें ना अपना परिवार दा। और एक्चुअली जिस तरह मैं आकर ने आनीस के मड़े परिवार ने से शर्मा साहब, और मैं उन्हें परिवार नहीं दिस, और मेरी बड़ा फख्र होना कि मैं पुंछी कम्युनिटी पैदा हुई बिकॉज यशपाल शर्मा साहब जड़े दे ओ पुंछी कम्युनिटी ने से। सो मैं लगना कि मड़ी अत्रा और बड़े बच्चे मड़ी जनरेशन ने सोचने वाले, मड़ी तो बाद जनरेशन ने सोचने वाले, और जिया मुगल साहब भी ये चीज आईया। सो मैं कोशिश कर सा जिया मुगल साहब भी आया, और असें ऑलरेडी चीजा प्लान भी कीती नहीं कि आज जल्दी है ये जड़ी सीरीज आज स्टार्ट हुई, यशपाल शर्मा एक युग पुरुष, इसकी आज आगे कंटिन्यू रहने हैं। और तुसे भी आखिर यशपाल शर्मा, आखिर में प्लीज अगर आप मुझे इजाजत दें बस आधा मिनट आपका और लूंगा। प्लीज आप ही का प्लेटफॉर्म है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मेरे घर में, आपके घर में, किसी के घर में अगर कोई मौत हो जाती है, जी इतने दिन उस अपने घर में सोग नहीं होता है जितने, अब शर्मा साहब को मुझे लगता है कि 1 महीना 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है इस दुनिया से गए हुए। जी पुंछ का हर घर, गांव, शहर, देहात, कस्बा, हर शहर ना इतने दिन और इतने महीने गुजरने के बाद भी सोगवार है। आज भी उनके घर में दर्द है, आज भी शर्मा साहब को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इससे बड़ी जिंदगी मुझे नहीं लगता किसी को मिल सकती है। घर वाले, मेरे वालिद साहब चले गए, मैंने 40 दिन उनको याद किया, 40वां किया, फिर बीच बीच में याद आते हैं, लेकिन जी वो मेरे, सिर्फ मेरे घर का मसला था। शर्मा साहब का मसला या शर्मा साहब की यादें सिर्फ उनके घर की यादें नहीं है, उनके घर पे जो गुजरी वो तो गुजरी ही। विवेक का गम विवेक का है, मेरा नहीं हो सकता, लेकिन पूंछ पूरे का पूरा आज भी सोगवार है। आज भी शर्मा साहब चाय खानों से लेके डीसी ऑफिस तक याद किए जाते हैं, उनकी बातें की जाती हैं, और आज भी उनको याद करते हुए लोगों की आंखों में मैं खुद आज भी आंसू देखता हूं। मैंने पहले भी कहा, यही वो जिंदगी है कि जिस जिंदगी की तमन्ना कोई भी बड़ा शख्स कर सकता है, बस हम इतना कर लें, वो एक बड़ा ट्रिब्यूट होगा शर्मा साहब को कि शर्मा साहब ने जो छोड़ा है हम लोगों के बीच में, बस उसको जिंदा रखें किसी तरीके से, यही शर्मा साहब को याद करने का सबसे बेहतर तरीका होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यही हम सबकी कोशिश है, और मैं बिल्कुल खुद भी यही चाहती हूँ कि हम लोग जैसे मैंने बोला कि उनके पद चिन्हों को फॉलो करें, यही ट्रिब्यूट होगा सबसे बड़ा उनके लिए। बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने कही, और बिल्कुल आपने भी वही कही कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खालिद शरीफ साहब के जो ये अशआर हैं उनपे वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। और जाते जाते मैं ऐसे कहूंगी कि उन्होंने जिंदगी में जो इतने काम किए, कबीरा जब हम पैदा हुए, देखिए ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जब दिल पे लगी है अपना कोई गया है तो ये सब चीजें हम महसूस कर सकते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। वो तो बिल्कुल चले गए आराम से, लेकिन दुनिया पता नहीं अभी मुझे लगता है सालों साल रोती रहेगी, और उनके चर्चे होते रहेंगे, शर्मा साहब की कहानियां चलती रहेंगी। सो इसी के साथ मैं सबको यही बोलूंगी कि जो फाइनली आज के प्रोग्राम का जो एक मोरल ऑफ द स्टोरी हम कहेंगे था कि हमें खास करके आज के दौर में अपने बच्चों में ये चीजें लानी पड़ेंगी, उनको सिखानी पड़ेंगी। और अगले हफ्ते यशपाल सर शर्मा सर के बारे में डिस्कशन करेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, हम सब आपके सामने हाजिर होंगे। मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया।